हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप 3 डेज का है। आज इसमें जो पहला दिन है इसमें सिखाया जा रहा है सन पेंटिंग। इसके द्वारा छोटे छोटे पेंटिंग बना के कुशन बनाया जा सकता है या फिर कहीं ड्रेस वगैरह में भी उसे लगाया जा सकता है। ये जो बता रही हैं ये है डेजी मैडम, जो पिडिलाइट से हैं और यही मेरे कॉलेज में मेरी बच्चियों को आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ ऑब्जेक्ट बनाना सिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। सन पेंटिंग के द्वारा टेबल क्लॉथ चादर भी बनाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बनने पर। Thank you.
आप इस पे जिस तरह के चित्र उभारना चाहते हैं उस तरह के ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख सकते हैं। मान लीजिए पत्तियों का ही प्रयोग कर रहे हैं तो उसे फूल के शेप में रख सकते हैं, उसे पेड़ के शेप में रख सकते हैं। कुछ बच्चियों का तैयार हो गया और कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, लगे हुए हैं सन पेंटिंग के लिए, कलर्स लगा रहे हैं। सब अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग तरह के कलर इसमें लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जिनका कि ये कंप्लीट हो चुका था, इन्होंने इसे उठाकर लाके धूप में रख दिया है, डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है, तभी जो ये पत्ते का आकार है वो अच्छे से उभर कर आएगा पेंटिंग में। आज के वर्कशॉप का दूसरा आइटम था टाई एंड डाई। टाई एंड डाई से आज दुपट्टा बनाना सिखाया गया। आप देख सकते हैं डेजी मैडम बहुत ही इजी तरीके से किस तरह से एक दुपट्टे को टाई एंड डाई के द्वारा हम सुंदर बना सकते हैं वो सिखा रही हैं। इसके बाद बच्चियों ने भी इसे देखकर ही फिर कई तरह के कई डिजाइन के दुपट्टे बनाए, जिसे हम वीडियो के अंत में देखेंगे। अगर धागा नहीं है
देख रहे हैं मैं कैसे कलर ले रही हूँ।
अच्छी तरीके से कलरिंग करना है, अच्छी तरीके से कलर्स बहुत अच्छी तरीके से डालना है। ओके, बार बार मैं कलर डालने Thank you.
कब आइए देखते हैं कि बच्चियों ने जो सीखा उसे कितना सुंदर सुंदर और कई तरह के डिज़ाइन वाले दुपट्टे तैयार किए हैं। अब यदि आपको टाई एंड डाई के दुपट्टे चाहिए तो आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और अलग तरह तरह के डिज़ाइन दे सकते हैं। कुछ लोगों ने दुपट्टा तैयार कर लिया है, कुछ लोग अभी भी उसमें कलर लगा रहे हैं, कुछ लोगों का कार्य जो है वो अंतिम चरण पे है। वाओ, देखिए ये भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इन्होंने एक छोटे से कपड़े पे ट्राई किया बना के पहले कि कैसा बनता है। इनका भी बहुत सुंदर डिजाइन आया है। देखिए एक और दुपट्टा, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये देखिए इन्होंने व्हाइट दुपट्टा यूज ना करके येलो दुपट्टा भी बनाया है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। वाह, ग्रेट। ये देखिए एक और डिजाइन, इनका भी बेस जो है दुपट्टा है येलो कलर का है। अब ये देखिए इसमें व्हाइट और येलो से बनाया गया व्हाइट दुपट्टे में बहुत ही